हेलो फ्रेंड्स, प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। आइए आज मैं बताती हूँ आपको अपने ऊपर अपने आप प्रॉपर तरीके से हम मेहंदी घर में कैसे लगाएं। तो ये मैंने लिक्विड पेस्ट तैयार किया है, इसमें दो अंडे मिक्स किए हैं मैंने, दो चम्मच शिकाकाई पाउडर है, दो चम्मच आंवला पाउडर है, थोड़ी दही मिक्स किया है मैंने इसके अंदर, और एक विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स किया है मैंने इसके अंदर, दो बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल मिक्स किया है। ये पूरा एक पेस्ट तैयार किया है मैंने। अब हम इसको मेहंदी में मिक्स करके अपने बालों पर कैसे अप्लाई करें, तो आइए मैं आज आपको ये सब बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने मेहंदी ली है, अकॉर्डिंग टू हेयर हम अपनी मेहंदी लेंगे। जितनी मेहंदी हम लेंगे उसको हम पानी डाल करके उसका पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। मेहंदी को वैसे मोस्टली पहले घोलना चाहिए, कम से कम मेहंदी लगाने से दो घंटे पहले हम मेहंदी का पेस्ट तैयार करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है और हमें मेहंदी तभी लगानी है, तो हम उसमें वार्म वाटर यूज़ करेंगे, यानी कि गर्म पानी का यूज़ करेंगे। अब हमारी मेहंदी पूरी घुलकर तैयार हो गई है। एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम उसके अंदर पेस्ट मिलाएँ तो वो उसी टाइम मिलाएँ जिस टाइम हम मेहंदी लगा रहे हैं। हमें उसको लगा बना करके पेस्ट को रख सकते हैं थोड़ी बहुत देर, लेकिन ये नहीं है कि हम मेहंदी के साथ बना करके उसको रखते हैं। मेहंदी हमें हमेशा दो घंटे पहले घोलनी है। अगर इमीजिएटली आप घोलते हो तो उसी टाइम उसको मिलाना है। ये हम इसमें इसका मास्क तैयार करेंगे, किया हुआ है जो हमने हेयर मास्क, वो इसके अंदर मिक्स करेंगे मेहंदी के अंदर। मास्क को हमें तभी मिक्स करना है जब हम मेहंदी लगाने वाले हों, मिक्स करके नहीं रखना है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एग वगैरह है, दही है, मस्टर्ड ऑयल है, विटामिन ई का कैप्सूल है। अब हमारी मेहंदी प्रॉपर तरीके से बालों में लगाने के लिए रेडी है। अपने बालों में अपने आप हम कैसे लगा सकते हैं आगे से लेके पीछे तक प्रॉपर तरीके से, मैं आपको सिखाती हूँ। अब आप बड़े ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, मैं अपने बालों में इस मेहंदी को अप्लाई करूँ। मैंने अपने बालों को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है सेक्शन से। कान के पीछे के हिस्से को मैंने बिल्कुल अलग किया है, क्लिप लगा लिया। अब आप देखिए मैंने इनको क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसमें मेहंदी लगा सकती हूँ। मिड के सेंटर में मैंने मेहंदी लगा दी है। अब मैं टेलकॉम की मदद से साइड का सेक्शन लूँगी, और टेलकॉम के ऊपर जो बाल आएंगे उसको अपने हाथ से पकड़ के मैंने अलग किया है, ताकि मैं इसमें इजीली मेहंदी लगा सकूँ और बहुत अच्छे से मेरे एक एक बाल में मेहंदी लग जाए। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें टेलकॉम के ऊपर के हिस्से को अलग करना है। इसी तरीके से हमने पूरे बालों में मेहंदी लगा करके और अपने बालों को ऊपर फोल्ड किया है। अब आप ध्यान से दोबारा दूसरा सेक्शन देखिए। देखिए मैंने ऊपर के बालों को अलग लिया है। हमारी बिल्कुल पार्टिंग सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। अगर ये हमारी नीचे की पार्टिंग गड़बड़ आएगी सेक्शन की मदद से, उल्टे सीधे बाल लेंगे तो मेहंदी लगने में प्रॉब्लम होगी। इस तरह से मैं अपने हाथ से अपने आप बिना ब्रश के एक एक बाल में बहुत अच्छे से मेहंदी लगा सकती हूँ। सेम प्रोसीजर मेरा चलेगा पीछे तक। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको लिया है। बस इसी चीज़ का हमें मेहंदी लगाते वक्त ध्यान रखना है कि हम सेक्शन को किस तरह से डिवाइड करते हैं। मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। कलर हमारे बालों को काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है। अगर हमें कलर लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम मंथ में एक बार कलर लगा सकते हैं, और आप अपने बालों में इसी तरह से बना करके कम से कम मंथ में दो बार मेहंदी लगा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम कलर के साथ साथ मेहंदी अप्लाई नहीं कर सकते, बस बशर्ते कि उनको हम उस तरीके से यूज़ करें कि हमारे बाल बन जाए।
एग, मस्टर्ड ऑयल और विटामिन का कैप्सूल, दही, ये सब यूज़ करेंगे तो हमारे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, जो कि लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मेहंदी से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और कलर भी हमारा बहुत अच्छा आएगा। और जब हम अपने बालों में दही और मस्टर्ड ऑयल मिक्स करते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी हमारे अंडे की स्मेल हमारे बालों में वॉश करने के बाद नहीं आएगी। आप फर्स्ट टाइम सिंपल वाटर से वॉश करेंगे, सेकंड टाइम आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास शैम्पू है आप उसको यूज़ करेंगे और आप देखेंगे अपने बालों में दिन पर दिन हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन भी आएगी, हमारे बालों को स्ट्रेंथ भी मिलेगी, बहुत अच्छे मजबूत हो जाते हैं। मेहंदी एक बहुत अच्छा हमारे बालों के लिए हेयर कंडीशनर भी है और ये बहुत अच्छा रहता है अगर हम अपने बालों में मंथ में कम से कम दो बार अप्लाई करें तो। और जितने बाल हमारे कलर से उससे थोड़े ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आप इसको मंथ में कम से कम दो बार अप्लाई करें। आप देखिए मैंने पीछे के बालों को भी इसी तरीके से सेक्शन निकाल करके कितने अच्छे से मैंने मेहंदी को यूज़ किया है, लगाया है उस पर, और एक एक बाल में मेरी मेहंदी लग रही है। हमें पीछे के बालों में भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर हमारा प्रोसीजर ठीक है तो हम एक एक बाल में मेहंदी लगा सकते हैं। अब आप देखिए मैंने पीछे के बालों में भी बहुत अच्छे से अप्लाई किया है, बहुत लॉन्ग हेयर तक मेहंदी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये सब मास्क बना करके अगर हम मेहंदी में अप्लाई करेंगे तो हम इसको वीक में भी एक बार लगा सकते हैं, हमारे डल डैमेज हेयर सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। देखिए मैंने ये पूरी मेहंदी अपने बालों में लगा ली है, आगे से पीछे तक इजीली, बहुत अच्छे से एक एक बाल में मेहंदी लग गई है। मेहंदी लगाने के बाद हमें अपने बालों को एक घंटे से डेढ़ घंटे तक हमें मेहंदी को बालों में रखेंगे, उसके बाद सिंपल वाटर से इसे वॉश करेंगे और
आप इसको वीक में एक बार लगा सकते हैं, अगर आपके बहुत डैमेज हेयर हैं तो दो बार भी लगा सकते हैं मंथ के अंदर, कम से कम दो बार मेहंदी इस मंथ के अंदर ज़रूर लगाएं। और बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर हैं और इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत हेयर शाइनी, स्मूथ और बहुत सिल्की और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।